जहाँ तक टुलिप फेस्टिवल का सवाल है, मैंने आपको उस दिन भी बताया 23 को जो हमारा टुलिप गार्डन खुल गया है, बहुत सारे लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे बिकॉज पैंडमिक की वजह से 2 साल लोग जो है कहीं जा नहीं पाए। अगरचे हमारा टूरिज्म सीजन जम्मू कश्मीर में खासतौर से कश्मीर में काफ़ी अच्छा रहा इंक्लूडिंग विंटर्स में, तो लेकिन टुलिप चूँकि हमारा एक ऐसी अट्रैक्शन है कश्मीर में जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो 1 महीना पहले ही एडवांस हो जाता है, और इस वक्त स्प्रिंग भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, और मुझे बताया गया है कि पहले ही 3 दिनों में 35,000 के करीब जो है वो टूरिस्ट ने वहाँ विज़िट किया है। और मुझे लगता है चूँकि सैटरडे संडे जो है इसमें काफ़ी रश रहता है, लोकल लोगों का भी रहता है, और बाहर से जो टूरिस्ट अभी आ रहे हैं काफ़ी अच्छा फ्लो है, एंड आई एम श्योर दैट टुलिप फेस्टिवल और टुलिप जो बाकी एक्टिविटी आने वाले दिनों में टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है उससे और भी बज़ क्रिएट हो जाएगी। और जहाँ तक वहाँ रश का बाकी चीज़ों का सवाल है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे लगता है मुकम्मल इंतजाम किए हैं, और अगर कहीं कोई कमी पेशी होगी उसको भी ठीक किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी यही बताया कि विंटर के बाद जो हमारा इस वक्त मेन सेलिब्रेशन है स्प्रिंग फेस्टिवल का, स्प्रिंग फेस्टिवल हमने सिर्फ महदूद नहीं रखा है टुलिप तक ही, बल्कि ये सेलिब्रेशन पूरा जब तक हमारा सीज़न रहता है, चाहे वो बादाम के फूल हों, टुलिप हों, उसके बाद आप मस्टर्ड ऑयल के आप देखेंगे फूल होंगे, इसी तरीके से वाइल्ड टुलिप्स खिलते हैं, वो अप्रैल तक कंटिन्यू रहता है। ये पूरा सीज़न 1-1.5 महीने का हमारा कंटिन्यू सेलिब्रेशन रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश की जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशन हैं रूरल टूरिज़्म जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग होती है, तो हमारी जो हमारा प्लान है कि उन जगहों पर भी हम फेस्टिवल्स करेंगे, ताकि हमारे जो टूरिस्ट्स बाहर से आते हैं, मुल्क के डिफरेंट कोनों से आते हैं, वर्ल्ड से आते हैं, दे शुड नो यहाँ पे सिर्फ एक ही सीज़न नहीं, हर सीज़न में जो है खासतौर से स्प्रिंग सीज़न एक बहुत ही अच्छा एक सीज़न जो है उनके लिए देखने को मिलेगा, और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हमारा जो टुलिप जो बाग है यहाँ पे गुलेलाला वो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि ये जबरन हिल्स के जो है बैकड्रॉप में है और डल झील के किनारे पे है, इस तरीके के नज़ारा जो आपको कोई भी टूरिस्ट हो उसको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों के चलते जो है हम स्प्रिंग सीज़न को भी अच्छी तरीके से टैप कर पाएंगे और अच्छा सा अच्छा टूरिज़्म जो है वहाँ ले पाएंगे। अगर आप देखेंगे पिछले 2 ही महीनों में कम से कम 4,000 के करीब यहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी आ चुका है, अगरचे अभी रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन लकीली कल से रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई है। हमने इससे पहले भी दुबई में जो है वो एक रोड शो किया है, इसके अलावा ऑनरेबल LG साहब की तरफ से भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, और अभी रिसेंटली आपने देखा कि दुबई से भी एक डेलीगेशन आया था। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल एशियन जो हमारे ये कंट्रीज़ है से जो हमारे बाकी मुल्कों से लोग ट्रेडिशनली आते रहे यूरोप, वी शुड एक्सपेक्ट ए गुड सीजन ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट्स एज वेल इंटरनेशनल टूरिस्ट।